एलिशिया बेरेंसन 33 साल की थी जब उसने अपने पति की हत्या कर दी। उसके पति का नाम गैब्रियल बेरेंसन था और उस वक्त उसकी उम्र 44 साल थी। इनकी शादी को 7 साल हो चुके थे। एलिशिया एक पेंटर थी और गैब्रियल एक फैशन फोटोग्राफर था। एलिशिया और गैब्रियल सभी मैरिड कपल्स की तरह एक ही घर में रहते थे। उनकी पड़ोसी बारबी हेलमैन ने गोलियों की आवाज़ सुनी थी और पुलिस को बुलाया था। जब पुलिस एलिशिया के घर पहुंची थी तो गैब्रियल को कुर्सी पे बैठा पाया था। उसको उस कुर्सी पे तार से भी बांधा हुआ था। एलिशिया भी वहीं खड़ी थी। फर्श पर खून पड़ा हुआ था और वहां एक पिस्टल और एक चाकू भी था। पुलिस ने एलिशिया को हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। वह बेहोश थी। जब वह होश में आई तो पुलिस ने उससे पूछताछ करने की कोशिश की, मगर वह कुछ नहीं बोली और आज तक वो कभी कुछ नहीं बोली। पुलिस को उसकी डायरी भी मिल गई थी, लेकिन हत्या से कुछ दिन पहले की इसमें कोई एंट्री नहीं थी। मुकदमे से पहले वह हाउस अरेस्ट पर थी, लेकिन उसने जज के सामने कोर्ट में कुछ भी नहीं कहा, इसलिए उन्होंने उसे एक मेंटल इंस्टीट्यूशन में भेज दिया। मेंटल इंस्टीट्यूशन की एक नर्स ने कहा कि एलिशा वहां कभी किसी से बात नहीं करती है। उसके ट्रायल को मीडिया में काफी कवर किया गया था। कई लोगों ने उसे अपने पति की हत्या करने के लिए दुष्ट कहा, लेकिन मैं कहता हूं कि उसे दुष्ट कहना सही नहीं है, क्योंकि उसका अपराध अदालत में साबित नहीं हुआ था। ये सच है कि बंदूक पर उंगलियों के निशान एलिशिया के ही थे, लेकिन उसे अपने पति को क्यों मारना पड़ा यह एक सीक्रेट था, क्योंकि उसने कभी कुछ नहीं कहा। कोर्ट में इंपीरियल कॉलेज के फॉरेंसिक साइकाइट्री के प्रोफेसर लजारस डेमेडेस ने कहा कि एलिशिया पागल थी, इसलिए एलिशिया को लंदन में द ग्रोव मेंटल इंस्टीट्यूशन में भर्ती कराया गया था। फॉरेंसिक साइकाइट्रिस्ट के रूप में मेरे लिए यह साफ था कि उसे गंभीर सदमा लगा है, इसलिए मैं उसे फिर से बोलने में मदद करना चाहता था। जब एलिशिया को द ग्रोव मेंटल इंस्टीट्यूशन में एडमिट कराया गया था, तब मैं एक अलग अस्पताल में काम कर रहा था। मैंने एलिशिया के इलाज के लिए द ग्रोव में नौकरी पाने के लिए 6 साल का इंतजार किया। तो चलिए मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम थियो फेबर है। मैं 42 साल का हूँ। मैं फॉरेंसिक साइकाइट्रिस्ट बना क्योंकि मैं लोगों की मदद करना चाहता था, क्योंकि मैं खुद एक डिप्रेस्ड और चिंतित आदमी हूँ, और इसका कारण मेरे पिता हैं, क्योंकि वह मेरे साथ बहुत स्ट्रिक्ट थे। जब भी मैं अपने पिता के आसपास होता था, मैं कभी भी सेफ महसूस नहीं करता था। मुझे आज भी याद है कि कैसे वह मुझे अपनी बेल्ट से मारते थे। बचपन में मेरे लिए यह सब बहुत दर्दनाक था। इसलिए जब मैंने द ग्रोव में नौकरी ली, तो मैं एलिशिया की मदद करना चाहता था। अपने पहले दिन जब मैंने उसे देखा, तो मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह पहले से ही मुझे देख रही थी। उसका चेहरा देखकर लग रहा था कि वो डरी हुई है। मैं थेरेपी रूम में एलिशिया से मिला। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। इसलिए हमारी पहली मुलाकात में हम चुपचाप बैठे रहे। मैं भी शादीशुदा हूँ। मेरी पत्नी का नाम कैथी है और वह एक थिएटर एक्ट्रेस है। वह न्यूयॉर्क में पैदा हुई और वहीं पली बढ़ी। हम दोनों को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्यार हो गया था। हम शादी के बाद खुशी खुशी रह रहे थे। एलिशा के साथ मेरी पहली मुलाकात के कुछ दिनों बाद मैंने उसकी दवा कम कर दी ताकि वह शांत और ज्यादा आराम महसूस कर सके। फिर मैंने उससे दोबारा बात करने का फैसला किया। हम थेरेपी रूम में थे। वह मेज के उस पार बैठी थी, लेकिन फिर अचानक उसने मुझे गुस्से वाली आंखों से देखा और वह बस मुझ पर झपट पड़ी। उसके हाथ मेरी गर्दन पर थे और वो मुझे मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड आए और मुझे बचाया। एक रात जब मैं काम के बाद घर पहुंचा, तो मुझे पता चला कि कैथी थिएटर से नहीं लौटी है। तब मैंने देखा कि कैथी का लैपटॉप ऑन है और उसका ईमेल इनबॉक्स खुला है। मैं उसके ईमेल पढ़ने लगा। वहां बैड बॉय 22 नाम के किसी आदमी के ढेर सारे ईमेल थे। इस बैड बॉय 22 के हर ईमेल में ये दो शब्द तो जरूर थे, सेक्सी और फक। कुछ दूसरी लाइंस भी लिखी हुई थी, लाइंस जैसे, रिहर्सल के बाद मुझसे मिलो, मैं तुम्हारे साथ फिर से सोना चाहता हूँ। मैंने लैपटॉप एक तरफ रख दिया। मेरी पत्नी, जिस लड़की से मैं बहुत प्यार करता हूँ, वह मुझे धोखा दे रही थी। वह अक्सर देर रात तक यह कहकर आती थी कि वह रिहर्सल में है, लेकिन अब ऐसा लगने लगा था कि
कि वो किसी और आदमी के साथ सो रही है, उसका बैड बॉय 22। और उसने लैपटॉप को खुला क्यों छोड़ दिया था? क्या वह चाहती थी कि मुझे उसके अफेयर के बारे में पता चले? मैं उससे इस बारे में बात करना चाहता था, लेकिन फिर मैंने यह दिखावा करने का फैसला किया कि मैं उसके अफेयर के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। एलिशिया के साथ मेरी अगली मुलाकात में मैंने ज़्यादा सवाल नहीं पूछे। मैंने गैब्रियल के साथ उसकी शादी के बारे में बात करना शुरू किया। मैंने उसे उसकी शादी की अंगूठी दिखाई और उससे पूछा कि क्या उसे याद है कि ये क्या है। तब मैंने कहा कि वह अपने पति से नफरत करती होगी, इसीलिए उसने उसे मार डाला। लेकिन फिर उसने ना में सर हिला दिया। उसका ये रिएक्शन मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। मुझे पता था कि मुझे उससे उसके डेड हस्बैंड के बारे में बात करना बंद कर देना चाहिए, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने उससे फिर कहा कि शायद तुम में कोई छोटा सा हिस्सा था जो उससे नफरत करता था। उसने फिर से ना कहने के लिए अपना सर हिलाया और फिर चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भाग गई। मैं एलिशिया के ट्रीटमेंट में बहुत मेहनत कर रहा था और ये देखकर द ग्रोव के दूसरे वर्कर्स ये सोचने लगे कि मैं उसे लाइक करता हूँ। आखिर वो बहुत खूबसूरत भी थी। मेरे लिए एलिशिया के बारे में जानने का एकमात्र तरीका उसके रिश्तेदारों से बात करना था। केवल दो रिश्तेदारों के नंबर थे, उसकी चाची लिडिया रोज और उसका वकील मैक्स ब्रैनसन। मैक्स ब्रैनसन गैब्रियल का भाई भी था, इसलिए मैं मैक्स से बात करने उसके ऑफिस गया। वह गैब्रियल का सगा भाई नहीं था। उनके माता पिता ने मैक्स को तब गोद लिया था जब गैब्रियल का जन्म भी नहीं हुआ था। उसने अपनी रिसेप्शनिस्ट तानिया से शादी की थी। मैक्स ने मुझे बताया कि वह मर्डर से एक रात पहले गैब्रियल और एलिशिया के घर डिनर करने के लिए गया था। उसने कहा कि एलिशिया की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी और वह अपने घर में तोड़फोड़ करती रहती थी। उसने कई बार गैब्रियल को जान से मारने की धमकी भी दी थी। अपने पिता की डेथ के बाद वो ऐसी हो गई थी। इसी दौरान उसने सुसाइड करने की कोशिश भी की थी। मैक्स ने मुझसे ये भी कहा कि अगर मुझे और जानकारी चाहिए तो मुझे कैम्ब्रिज में रहने वाले एलिशिया के कज़न पॉल रोज से मिलना चाहिए। द ग्रोव में मैंने एलिशिया की डायरी को पढ़ना शुरू किया। मैं गैब्रियल की ऐसी पेंटिंग बना रही हूँ जैसे वह जीसस हो। मैक्स डिनर के लिए घर आया था। जब गैब्रियल गार्डन में था तब मैक्स किचन में आया। वहाँ उसने मुझसे कहा कि वह मुझसे प्यार करता है। उसने मुझे ज़बरदस्ती किस करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसकी जीभ काट ली और वहाँ से भाग गई। मुझे नहीं लगता कि वह मुझसे प्यार करता है। वह सिर्फ गैब्रियल से नफरत करता है क्योंकि गैब्रियल मैक्स से बेहतर इंसान है। मैं पॉल रोज से मिलने कैम्ब्रिज गया। उसने मुझे बताया कि एलिशिया की माँ की मौत एक कार दुर्घटना में हो गई थी और कुछ साल के बाद उसके पिता ने भी आत्महत्या कर ली थी। एलिशिया उस समय बहुत छोटी थी, इसलिए मेरी माँ लिडिया रोज ने उसकी देखभाल की। पॉल ने मुझे यह भी बताया कि उसके पिता उससे नफरत करते थे। उस कार दुर्घटना में उसकी माँ की मौत हो गई तो उसके पिता ने कहा था कि इसके बजाय एलिशिया की मौत हो जानी चाहिए थी। एलिशिया ने अपने पिता को यह कहते हुए सुन लिया था और इस बात ने उसे अंदर ही अंदर मार डाला था। फिर मैं जीन फिलिक्स से मिलने गया। वह उस आर्ट गैलरी का ओनर था जहां एलिशिया की पेंटिंग्स को एग्जिबिट किया गया था। उसने मुझे बताया कि वो और एलिशिया बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन फिर वह उसे इग्नोर करने लगी। जीन फिलिक्स ने कहा कि वह एलिशिया को बहुत मिस करता है। उसने यह भी कहा कि वह अब भी अपने माता पिता की मौत के सदमे में थी। कई थेरेपी सेशंस के बाद भी एलिशिया कुछ नहीं बोली थी और द ग्रोव के डॉक्टर आगे कोशिश करना बंद कर रहे थे। लेकिन मैंने फिर भी डॉक्टर डियोमेडोस से थोड़ा और टाइम लिया। उसके बाद सभी को लगने लगा कि मेरे मन में एलिशिया के लिए फीलिंग्स हैं। मैं एलिशिया के कमरे में गया। फिर मैंने उससे कुछ सवाल किए, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह उस कमरे के कोने में गई। वहाँ कुछ किताबें रखी हुई थी। उसने मुझे अपनी डायरी दी। वह चाहती थी कि मैं उसकी डायरी पढ़ूं। मैं फिर उसकी डायरी पढ़ने लगा। आज मैंने देखा कि बाहर एक आदमी मेरे घर की तरफ देख रहा है। मैं उसे नहीं जानती। उसने काला चश्मा और टोपी पहन रखी थी। मुझे उससे डर लग रहा था। जीन फिलिक्स मुझे बार बार फोन कर रहा है और कह रहा है कि वह मुझे याद करता है और मुझसे मिलना चाहता है। गैब्रियल को जीन फिलिक्स पसंद नहीं है। उन्होंने कहा है कि जीन फिलिक्स हमारे बीच में आने की कोशिश कर रहा है।
आज मैं अकेले घर से बाहर निकली। मैंने उस आदमी को फिर देखा। वह मेरा पीछा कर रहा होगा। क्या पता ये आदमी जीन फिलिक्स हो या वह मैक्स भी हो सकता है। कुछ दिनों बाद मैंने उस आदमी को फिर देखा। मैंने गैब्रियल को इस आदमी के बारे में बताया, लेकिन उसने कहा कि मैं ये सब चीज़ें इमेजिन कर रही हूँ। वह मुझे एक साइकाइट्रिस्ट के पास भी ले गया, जिससे मैं तब मिली थी जब मैंने खुद को मारने की कोशिश की थी। उसने मुझे दवा दी, लेकिन मैंने नहीं ली। जैसा कि मैं डायरी लिख रही हूँ, वह आदमी फिर से मेरे घर के बाहर है, और अब हे भगवान, वह मेरे घर के अंदर आ गया है। एक रात जब मैं काम से घर लौटा, कैथी ने कहा कि वह टहलने जा रही है। मुझे उस पर शक हो रहा था, इसलिए मैंने उसका पीछा करने का फैसला किया। वह पार्क में गई जहाँ एक आदमी उसका इंतजार कर रहा था। अंधेरा था, इसलिए मैं उसका चेहरा नहीं देख सका। फिर वे एक दूसरे को किस करने लगे। इसके बाद वे जंगल में चले गए और उन्होंने एक दूसरे को प्यार किया। मुझे अपने लिए इतना बुरा लग रहा था कि जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ वह मुझे धोखा दे रही है। डॉक्टर डियोमेडेज एलिशा का ट्रीटमेंट रोकने के बारे में सोच रहे थे, इसलिए मैंने उनसे कहा कि वह मुझे एक आखिरी मौका दें। अगले थेरेपी सेशन में मैंने एलिशा को सब कुछ बताया कि मैंने पॉल और मैक्स से बात की है और मैंने उसकी डायरी भी पढ़ी है। इतना सब सुनने के बाद आखिर वह बोली। उसने मुझे बताया कि जो आदमी उसके घर के बाहर खड़ा रहता था, एक दिन वह अंदर किचन में आ गया। वह अलमारी से अपने पति की पिस्टल लेने गई, लेकिन वह वहां नहीं थी। वो पिस्टल उस आदमी के हाथ में थी। फिर उसने एलिशिया को कुर्सी से बांध दिया। कुछ देर बाद गैब्रियल आया और उस आदमी ने उसे भी कुर्सी से बांध दिया। इतना कहकर एलिशिया रोने लगी और वहां से भाग गई। काम के बाद जब मैं घर गया तो कैथी फिर से टहलने निकली। पिछली बार की तरह मैंने उसका पीछा किया। वो फिर से उस आदमी से मिली और उसको किस किया, लेकिन इस बार वह एक पब में गए, शराब पी और फिर वे अलग अलग दिशाओं में निकल गए। मैंने उस आदमी का पीछा किया और उसके घर तक गया। मैं उसके घर के बाहर खड़ा था और खिड़की से देख रहा था। घर पर उसकी पत्नी भी थी, यानी मेरी पत्नी की तरह वो भी किसी को धोखा दे रहा था। मैंने उसके घर में जाकर उसका मर्डर करने का सोचा, लेकिन मैं मर्डरर नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने घर वापस आ गया। मैं थेरेपी रूम में एलिशा से फिर से मिलने की उम्मीद कर रहा था ताकि वह मुझे अपनी कहानी बता सके, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे पता चला कि किसी ने उसे ओवरडोज कर दिया है और अब वह कोमा में है। इसके बाद पुलिस आई और जांच करने लगी कि किसने उसे ओवरडोज किया है। काम के बाद मैंने उस आदमी के घर जाने का फैसला किया जिसका मेरी पत्नी के साथ अफेयर चल रहा था। मैंने उसे अंधेरे में घर से निकलते हुए देखा। मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। फिर मैं किचन में गया और चाकू उठा लिया। तभी मैंने देखा कि एक लड़की मुझे देख रही थी। यह पहली बार था जब मैं एलिशिया से पहली बार मिला था। एलिशिया ने ग्रोव में रहते हुए अपनी डायरी भी लिखी थी। द ग्रोव में एक नया साइकाइट्रिस्ट आया है और वह थियो है। वह वही है जो मेरे घर के बाहर खड़ा रहता था। वह वही है जो गैब्रियल की हत्या के समय चाकू लेकर घर के अंदर आया था। जब मैंने पहली बार उसे इस हॉस्पिटल में देखा तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि वह वही है, लेकिन अब मुझे यकीन है। आज थियो ने मुझे जान से मारने के लिए मुझे मेडिसिन का ओवरडोज भी दे दिया है, इसलिए ये डायरी मैं जल्दी से जल्दी लिख रही हूँ ताकि इसको पढ़ने के बाद सबको पता चल सके कि थियो ने क्या किया है और उसको ऐसा करने की सजा मिल सके। उस रात थियो ने मुझे कुर्सी से बांध दिया। जब गैब्रियल घर आया तो थियो ने उसे भी कुर्सी से बांध दिया। गैब्रियल ने पूछा कि वह कौन है। उसने कहा कि वह एक शादीशुदा आदमी है और कैथी मेरी पत्नी है जिसके साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा है। तब थियो ने गैब्रियल को एक ऑप्शन दिया। उसने कहा कि तुम डिसाइड करो कि मैं तुम्हें मारूं या तुम्हारी पत्नी को। गैब्रियल एक कायर था, इसलिए उसने थियो से कहा, तुम एलिशिया को मार सकते हो। लेकिन थियो ने किसी को नहीं मारा। उसने मेरे हाथ खोल दिए और हमारे घर से चला गया। अब मुझे पता था कि गैब्रियल मुझसे प्यार नहीं करता। उसने मुझे धोखा दिया है और इससे मेरा दिल टूट गया। इसलिए मैंने बंदूक उठाई और अपने पति को गोली मार दी। मुझे एलिशिया की आखिरी डायरी नहीं मिली जिसमें उसने उस रात की घटनाओं को लिखा था जब उसने अपने पति को मार डाला था, और मुझे डर था कि अगर ये डायरी किसी और के हाथ लगी तो मैं पकड़ा जाऊंगा।
लेकिन मुझे यह डायरी कभी नहीं मिली। काम के बाद मैं अपने घर गया और देखा कि कैथी टीवी पर एलिशिया के कोमा में जाने की न्यूज़ देख रही थी। ये न्यूज़ उसे उसके लवर गैब्रियल की याद दिला रही होगी। तभी दरवाजे की घंटी बजी और मैंने दरवाजा खोला। बाहर पुलिस खड़ी थी। एक पुलिस ऑफिसर के हाथ में एलिशिया की डायरी भी थी। उन्हें देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली, क्योंकि मैं यह दिखावा करके थक गया था कि मैंने कोई गलती नहीं की थी। बर्फ पड़नी शुरू हो गई थी। मैंने हाथ फैलाया और थोड़ी सी बर्फ पकड़ने की कोशिश की।